नमस्कार। ये प्रयास अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस का डॉक्टर अमित केसरवानी सर के नेतृत्व में हम सब लोगों के साथ मैं डॉक्टर शमशाद अहमद पिछले वर्षों से अमित सर के साथ जुड़ा रहा। राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय के साथ विगत वर्षों की हम सब के प्रयास की सफलता को देखते हुए, चूँकि महामारी के कारण कक्षाएं ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित हैं और पुनः कब से ये आरंभ होंगी ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सही तिथि ज्ञात नहीं है। तो हम सब लोगों ने प्रयास किया कि या प्रयास करने जा रहे हैं कि उन सभी छात्रों और विद्यार्थियों के लिए जो आगामी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस को आरंभ किया जाए। तो पिछले दिनों अमित सर से बात हुई और ये प्रयास आरंभ किया जा रहा है। सभी छात्रों को ये पता होगा कि UGC ने फॉर्म सबमिट करने की 30 जून को निर्धारित किया है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षा की जो तिथि संभावित हो सकती है वो या तो अगस्त के लास्ट वीक में या अक्टूबर के सेकेंड वीक में, क्योंकि 4 अक्टूबर को UPSC की सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा घोषित है। तो चूँकि समय कम है, आप कह सकते हैं कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2.5 महीना लगभग पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है और तैयारी करने के लिए मिल रहा है। तो इसी समय में इस मिली हुई अवधि को समेटते हुए ये प्रयास आरंभ किया जा रहा है। अगले वीक से लगातार कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आपके द्वारा पहुंचती रहेंगी। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वे लोग राजनीति विज्ञान विषय के साथ जुड़ सकते हैं। लगभग 2.5 महीने की क्लास होगी। बाकी कार्यक्रम का जो विशेषता या डिटेल है वो ऑफिस से या इंक्वायरी से आपको मिलती रहेगी मिल जाएगी। राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में तब महत्वपूर्ण समझने के लिए हो जाता है जब उसके पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को और भारतीय राजनीतिक चिंतकों के साथ और इन सिद्धांतों के साथ जन्म लिए उपागमों को समझने और उसको परीक्षा उपयोगी प्रश्न के रूप में ढालने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि सबको पता है कि 10 यूनिटों के आधार पर सिलेबस बहुत लंबा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में भी, भारत के संविधान के रूप में भी, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भी, तुलनात्मक राजनीति के रूप में भी, समकालीन राजनीति के रूप में भी एक महत्वपूर्ण अंग है और एक लंबा अध्ययन ये विषय आपके साथ मांगता है। चूँकि विचारकों का एक ही विषय पर बहुत से मत हैं तो उन सब मतों को फिल्टर करना और सही मार्ग तक पहुँच जाना एक सही नेतृत्व और सही मार्गदर्शन के सिवा थोड़ा सा अचरजपूर्ण लगता है, पर परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते रहे। तो हमारा और आपका डॉक्टर अमित केसरवानी सर के नेतृत्व में और अनुसंधान एकेडमी के बैनर के तले ये प्रयास होगा कि आपको बेहतर सुविधाएं दी जाएं ताकि आप आगामी परीक्षाओं में अपनी परीक्षाओं को जो संभवतः अगस्त के लास्ट वीक में संभावित है अपनी सफलता को निश्चित कर पाएं। आगामी कार्यक्रम के लिए जो अनुसंधान एकेडमी तय करेगा कक्षाएं कब से किस दिन से तिथि लागू होगी, बेहतर होगा कि आप लोग अपना इनरोलमेंट और जो तरीका है क्लास को ज्वाइन करने का उसको एकेडमी के साथ संबद्ध कर लें ताकि तुरंत आपके साथ ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से परीक्षा की तिथि के साथ चलाया जा सके। धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा वो एक डेमो क्लास के रूप में होगा।
ताकि पढ़ाई का एक संतोषजनक मैसेज आप तक पहुंच जाए और आप संतुष्ट होकर कक्षाओं का जो स्तर है उसको देख लें और विगत वर्षों का जो परिणाम रहा है उन अनुभवों को भी शेयर कर लें और अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए बनाए रखिए। धन्यवाद।